सरकार ये सुनिश्चित करे कि लोगों को इस तरह के प्रदर्शन नहीं करना पड़े। ये कई साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हुई और हम लोग यहाँ कई सालों से, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी, कई बार मिक्स गवर्नमेंट हुई तब भी, हमने देखा कि किसानों को अपने हक के लिए दिल्ली को कूच करना पड़ता है। आखिर ये क्यों करना पड़ रहा है, इस पर सरकार कब बात करेगी? ऐसी सिचुएशन कितना एम्बुलेंस हम लोग तीन चार दिन से न्यूज़ में देख रहे हैं, कितने कल ट्रक के ड्राइवर थे वो रोग आ रहे थे कि उनको खाने के लिए पैसे नहीं है, उनको आने के लिए जगह नहीं मिल रही। आखिर ये क्यों हो रहा, सरकार को कब जगेगी सरकार? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या अपनी मांग मंगाने के लिए, अपनी मांग को मंगवाने के लिए क्या इस तरह के प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे? तो ऐसी स्थिति तो बहुत बेकार स्थिति है। जिस तरह से रोड बंद कर दिया गया, ये क्या लोकतंत्र कहता है? कैसा प्रदर्शन? तो इसे एक स्टेप आगे कहता हूँ। मान लीजिए जिस प्रकार से आपको पता चलने वाला है कि आपको शुगर होने वाला है, आप मीठा खा रहे हैं तो पहले वॉकिंग शुरू करते हैं ना, कि पहले सीधे जाके अंग्रेजी दवाई डकाडक खाने लगते हैं। तो आपको लग रहा है कि किसान को चाहे MSP पे हो, चाहे उनके किसी हक की बात हो, चाहे उनका इंश्योरेंस की बात हो, चाहे उनको फसल बीमा की बात हो, तो इसको आप एक स्टेप पहले रोकिए। आप विदेश जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा विदेश का नीति है सर। जो देश विरोधी कानून है, ये लोग हैं किसान, इनसे क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, देश विरोधी कानून जो भी, किसान को आप ऐसे, आज हमारे अन्नदाता हैं। आप सोचिए कि जापान में बैगन मिलता है 300 रुपया अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कीजिए तो, समझ गए? अभी हमारे क्लोज रिलेटिव जापान गए थे, जर्मनी जापान में आप सब्जी का समझ लीजिए, यहाँ 20 रुपया बैगन, 30 रुपया बैगन मिल रहा है आपको। जब किसानों का डेली का कह रहे मांग अलग अलग बदल जाता है तो कैसे पूरा करेंगे सरकार? नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अनुराग ठाकुर या मोदी या हम, कोई शाश्वत तो है नहीं कि हम 200 साल 2000 साल जियेंगे। हमें सिस्टम को ठीक करना चाहिए। सिस्टम कैसे ठीक होगा कि किसानों के प्रतिनिधि को, जेन्युइन प्रतिनिधि को, बहुत सारे नकली किसान भी हैं, मैं खुलेआम बोलता हूँ, राकेश टिकैत जैसा किसान ने दिग्भ्रमित किया है, वो किसान नहीं है, वो नेता बनना चाह रहे हैं, वो उनका उन सब का बिल्कुल बेकार है। ये सरकार से मुझे उम्मीद है कि ये BJP गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन लेके आएगी। थोड़ा टाइम, किसान आपने कहा कि पहले शुगर होने से पहले चीनी खाना बंद करे, तो इन्होंने पहले बंद तो कर दिया रोड, सारे कील लगा दिए, वो लगा है, वो भी गलत है, जो बंद करा है वो भी गलत है, वो उसका मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बंद, जब किसान का कूच का उन्होंने अपना संदेश भेजा तो क्या हवा में थोड़ी भेजा? उन्होंने सरकार तक अपना मैसेज भेजा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप पहले आइए, हम कूच कर रहे हैं फलाना तारीख को, ठीक है? तो इससे पहले सरकार के कुछ कमेटी बने, सरकार के मापदंड हो, वो जाके किसान से मिले ठंडे में। जब बाढ़ आती है ना तब बांध नहीं बना जाता, ये बात आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझ गए? बाढ़ के समय बांध बनता है, बांध तब बनता है जब नदी शांत रहे। तो ये बाढ़ जब आता है तब ये जाते हैं बात करने, इससे तो पहले करना पड़ेगा बाबूजी अगर चाहते हो। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में रहना, लोग सोचता है कि कहीं कुछ हो जाए दिल्ली से ही चले जाए। आपको नहीं लगता है कि मोदी जी देश को एग्जिट कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मोदी जी कर रहे हैं, नहीं उनको भी समझाने के लिए तो मोदी जी को कुछ तो अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, कुछ प्रकार जिनसे, जैसे तोमर साहब थे किसान मंत्री, उनकी अच्छी बातचीत है। मान लीजिए हम में इनमें लड़ाई हुआ और इनसे मेरी अच्छी मित्रता है, तो ये बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसानों को रोकने के लिए इतना फोर्स, इतना तमाम तरीके की सिक्योरिटी है, लेकिन वही मणिपुर में ऊपर की पहाड़ के लोग नीचे नहीं आ सकते, ऐसा क्यों लग रहा है? ये गलत बात है, मणिपुर का भी मुद्दा है और भारत तो एक बड़ा अखंडता में एकता है, इतना फोर्स है वहाँ के लिए क्यों कुछ नहीं? वहाँ भी करना चाहिए। वहाँ पे मणिपुर की भी समस्या, आए दिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, वहाँ मैतेई, गैरो, खासी, जयंतिया, जितनी तरह की जनजाति है, उनसे बात करने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना आदमी, क्योंकि खाली इलेक्शन के समय ये लोग जगते हैं, कोई पार्टी हो इलेक्शन के समय जगे, लुभावना वहाँ पर फ्री। अब दिल्ली में देखो केजरीवाल सरकार फ्री सारे रोड खराब है, ये 30,000 के आगे जाओ, हमारी गाड़ी एक साल में सर्विसिंग में जाती थी, अब हमें हर तीसरे महीने सर्विसिंग करानी पड़ती है। मोदी भी कहता है 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, फ्री का चीज में देख लो क्या हालत है, अब श्रीलंका का, बांग्लादेश का क्या हालत है, फ्री का चीज बांट के इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया लोग को। हम सुबह से आते हैं लंच लेकर के, 4 रोटी खा के दिन भर लगते हैं, तब 2000 रुपया 1000 रुपया कमाते हैं,
जो फ्री का मोबाइल, तो 20-20 हजार मोबाइल लेके फ्री के जाते राशन लेने के लिए, तो सरकार की ये तो गलतफहमी है ना, बहुत ज्यादा लोगों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं।